पिछले लंबे समय से पंजाब में कर्फ्यू चल रहा है और इसी तरह पटियाला में भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। मगर पटियाला की सुखाराम कॉलोनी में कल कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसको गोली मारने की घटना सामने आई है। यहां पर पहुंचे डीएसपी सौरभ जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एक गोली लगी है जिससे नौजवान की मौत हो गई, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी दी जा सकेगी। गोली चली है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या किस लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है? अज शामी करीब 9:30 फैक्ट्री एरिए भारत नगर कलोनी दे विच थाना अनाज मंडी दे एरिए दे विच शमशेर सिंह नाम दे व्यक्ति दी जिहड़ी उम्र करीब 35 साल है गोली लगन कारण डैथ हुई है। ये करीब 9:30 का इंसीडेंट है। ये भारत इन्हों का रेजिडेंस शमशेर सिंह का सुखराम कलोनी च है तो भारत नगर के 2-3 बंद ने इन्हों हमला करता तो इन्हों गोली लगन कारण मौत हुई है। बाकी असं वेरीफाई कर रहे हैं मौके पर सारी हूँ असी मौका देख के आए उस बाद हूँ इन्हों के फैमिली मैंबरस के आने पर उन्होंने बयान लिख के असं FIR लॉज करा तो सारी इन्वैसटिगेशन करके जल्दी एक्यूज फड़ा। कितने राउंड फायर हुए हैं सर? जिहड़ी बॉडी मैं देख के आया बॉडी दे विच हले उन्होंने जिहड़ी बाकी तो पोस्टमार्टम तो क्लीयर होगा। एक्सटर्नल इंजरी एक ही है, एक गोली लगन का निशान। सर पता नहीं लगता कौन शख्स जिन्होंने गोली चलाई है? असं मौके तो वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी उन्होंने फैमिली मैंबर आ रहे हैं उन्होंने बयान लिख के असं उन्होंने जिन्हों से डाउट है क्लीयर करा। कोई पुरानी रंजिश भी है इनकी जी? वो असं वेरीफाई कर रहे हैं, असं इन्हों का जिन्हों का डाउट कर रहे हैं सारे का रिकॉर्ड चैक करा कि पुराना इन्हों का कोई है इस तरह का कोई रंजिश है कि नहीं है, रीजन की है मर्डर का। इंदर की रिपोर्ट, लाइव भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।